रात को आके ट्रैक्टर वगैरह हल वगैरह मार गया था, सब चीज़ें कर गया था, ए टू जेड जमीन को हमारे इस काबिल बना दिया था कि हम इसमें बीज लगा के अपनी फसल काश्त कर सके। लेकिन एक प्रॉब्लम इधर आती थी, वो थी इसके किनारे बनाने, मतलब कि किनारे वगैरह उसने बनाए नहीं, हम पास खड़े नहीं थे, वरना किनारे तो बना देता है वो। लेकिन उसने बोला, भाई तेरी तो शामत लेके आऊँगा, तू क्या मज़े में बैठा है, तो मेरी शामत आ गई। इसके किनारे वगैरह बनाने थे जो कि मैंने अब बना देते, मतलब अब तो बन गए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वीडियो में साथ में, मतलब कि जहाँ पे ये जो छोटे से खाला बोल सकते हो ख़त्म हो रहा है ना, उसके किनारे पे ना मतलब कि मट्टी लगी होती है जो कि हटा के उसका रास्ता बनाना था ताकि इधर से पानी वगैरह गुजर सके। ये सामने जैसे इन्होंने काश्त वगैरह कर लिया, ये तो बहुत पहले बिजाई कर लिया था, मैं बहुत पीछे रह गया, लेकिन चलो अल्लाह का करम है, जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, इसी में कोई ना कोई भलाई होगी। बाकी यार तुम्हारे भाई ने इधर की है फुल जिद तोड़ मेहनत की है, ये मैं तुम्हें लोगों की दिखा रहा हूँ, लेकिन अपने भी साथ के साथ दिखा दूंगा घुमा फिरा के, ये देखो ये अपनी ज़मीन है और वो लोगों ने काश्त कर लिया यार, इधर तुम्हारे भाई ने फुल मंजी तोड़ मेहनत की और अभी बिल्कुल हालत टाइट हो चुकी है। अभी मिनिमम भी टाइम 10 से 11 के दरमियान है, मतलब कि यार अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो देख नहीं सकता दरमियान में, तुम लोग देखो यार ये देखो फुल गर्मी है। क्योंकि उधर शॉप पे होता हूँ तो भाई फुल एसी माहौल होता है, ठंडा माहौल होता है, इधर पानी को तरस रहा हूँ मैं। चलो यार फिर मैंने इसके किनारे वगैरह बना दिए थे जो कि मेरे लिए एक ट्रैक्टर वाला काम छोड़ के चला गया था, मैंने कहा चलो यार मेहनत मजदूरी थोड़ी बहुत तो कर लेनी चाहिए, ये भी सेहत के लिए अच्छा होती है। तो तुम्हारा भाई ये काम शाम करके डन कर दिया, मतलब किनारे वगैरह बना दिए, तो घर आ गए। लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना आगे वाले ब्लॉग में।